दिसंबर लगभग निकलता जा रहा है, जनवरी आ गया है, डर लग रहा है क्लास 10 मैथमेटिक्स में। डरो नहीं, परेशान नहीं हो, क्या अभी से भी पढ़ के 100% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिए, स्किप नहीं करिए। मेरा नाम है विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम से 9 to 12 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी भी पढ़ के आपके पक्का 100% आ सकते हैं। अगर 100% नहीं बच्चों तो 95, 96, 97 तो आप पक्का स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो बने रहें इस वीडियो के साथ। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज क्लास 10 से रिलेटेड अपडेट्स और बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं, ठीक है? तो अगर आप आते हैं बच्चों इन सब कैटेगरीज में, आपको डर लग रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी उद्घाटन नहीं किया है, ठीक है? पर जानना बहुत टाइम में पढ़ के अभी भी मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, सर मेरे से गलती हो गई, मतलब मैंने शुरू से नहीं पढ़ा, अब तो बहुत ज्यादा लग रहा है, परेशान ना हो। देखो बच्चों, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं। 100% स्कोर करेंगे आप मैथमेटिक्स में कैसे? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, इसका स्टडी मटेरियल भी है मेरे पास, बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिए। सुनो बच्चों, देखो, अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब आपने पढ़ा है उल्टा सीधा चीजें नहीं समझ में आ रही, तो देखो सारे टॉपिक्स हर एक टाइप के न्यूमेरिकल आपके कैसे कवर होंगे, सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इतना तो टाइम है नहीं कि सब कुछ लगाया जा सके, तो आप कर क्या सकते हो, ध्यान से सुनो, आप कर क्या सकते हो बच्चों, और करना कहां से ये भी मैं आपको बता दूं। आप फॉलो करिए बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना है, भले एक्सरसाइज छोड़ दो क्योंकि टाइम नहीं है। सुनो, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले, फिर आप नीचे कमेंट करना, लाइक या डिसलाइक करना। तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है ना मैथमेटिक्स की, उसके एग्जाम्पल्स करिए। कहां से करिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए मेरी बात, एग्जाम्पल्स करने हैं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको एग्जाम्पल्स यानी कि सैंपल प्रॉब्लम करनी है। क्या करना है? सैंपल प्रॉब्लम। अब बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सैंपल प्रॉब्लम कहां मिलेंगी। सुनो बच्चों, आप क्या करते हैं, मार्केट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन खरीदते हैं, उसमें सैंपल प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपको सैंपल प्रॉब्लम कहां मिलेगी। सुनो, अगर आपको एनसीईआरटी की सैंपल प्रॉब्लम देखनी है बच्चों, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर आपको सैंपल प्रॉब्लम देखनी है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। कहां मिलेगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है? क्लास 10th का एक सेक्शन होगा, उसमें जाके आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा। जो भी मैथ्स का चैप्टर ओपन करना हो कर लेना, जैसे ही आप चैप्टर ओपन करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों, आपके हर एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज होती हैं। कितनी? 4। जैसे कि मान लो चैप्टर नंबर 2 है, तो आपको 2.1 मिलेगा, 2.2 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, 2.4 मिलेगा, करेक्ट? तो बच्चों 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हर एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले कुछ सैंपल प्रॉब्लम होती रहती हैं। वो सैंपल प्रॉब्लम बच्चों अपने आप में सब कुछ कवर करती हैं, पता है ये बात आपको? पता है? सुनो, नहीं पता होगी ये बात आपको, ठीक है? बिकॉज आपके स्कूल में या किसी ने नहीं बताया होगा। 2.1 से पहले बच्चों आपको 5 सैंपल प्रॉब्लम ओनली दी होंगी, वो 2.1 के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगी। 2.2 के पहले आपको सैंपल प्रॉब्लम दी होंगी, वो 2.2 के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी, ठीक है? मतलब अगर हम सैंपल प्रॉब्लम लगा लेते हैं तो 100% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हम अपने सभी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या हुआ, मुझे एक्सरसाइज नहीं लगानी पड़ी। सर ये सैंपल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा, मार्केट में तो मैंने खरीदा, वहां तो मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला बुक में, बिल्कुल मुझे पता है। तो सुनो बच्चों, करना क्या है आपको, सुनिए, मैंने नीचे कॉमेंट पिन किया हुआ है, ठीक? तो जो पिन कॉमेंट है उसमें सबसे ऊपर तो मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ वाला लिंक दे दूंगा, और सुनो मेरे वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोज मिलेंगे बच्चों। जब आप मेरे वीडियो पर क्लिक करोगे, आप हो सके तो दो मोबाइल रख लो, ठीक है? एक मोबाइल में आप पीडीएफ ओपन कर लो, अपनी मम्मी का मोबाइल ले लो, किसी का ले लो, उसमें पीडीएफ ओपन करके रखो और मेरा वीडियो चलाओ। जैसे ही आप मेरा वीडियो चलाओगे ना, जैसे मैं 2.1 कराने वाला हूंगा, उसके पहले मैं सैंपल प्रॉब्लम कराता हूं, तो आप क्या करो, आप सैंपल प्रॉब्लम तक देखो, एक्सरसाइज छोड़ दो, ठीक है? फिर पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर से जो 2.2 से पहले जो सैंपल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, 4 या 5 सैंपल प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं, ठीक है, उसको कर लो। इससे क्या होगा, उसमें मैंने बच्चों आपको ऐसा पढ़ाया ना, आपके सभी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो पक्का आपको वहां पे सब कुछ समझ में आने वाला। हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में इस तरीके से पढ़ाया कि बच्चा अगर चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं भी लगा रहा है तब भी उसको समझ में आएगा। रही बात कैलकुलेशन की, जिनकी कैलकुलेशन नहीं अच्छी है, तो पता है इतने सैंपल प्रॉब्लम लगा लगा के वीडियो देखोगे ना, सारी कैलकुलेशन हर एक स्टेप बताएगा। 2 को 4 से काटना है, 4 को अगर 2 से काटना है, 2 1 2 2 2 4, तो वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों? उसके बाद यही काम आप कर सकते हो मेरे एनसीईआरटी के वीडियोस में, मैथमेटिक्स में। बुक खोलिए, एनसीईआरटी की तो बुक होगी ना आपके पास, ठीक है? ये वाली बुक होगी आपके पास एनसीईआरटी की, ऐसी तो ये बुक आप खोलिए बच्चों, और इसमें क्या करना है, आप चैप्टर खोलिए, जैसे चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 आपने खोला। चैप्टर नंबर 3 जब आपने खोला, तो आप क्या करो, सिर्फ आप एग्जाम्पल्स कर लो अभी,
ठीक है, सिर्फ आप एग्जांपल्स कर लो। तो जब आप ये काम कर लो, एग्जांपल्स के वीडियोस कर लो, मैंने तो हर एक चीज पढ़ाई हुई है, पहले मैं एग्जांपल कराता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एंड हो जाए आप एक्सरसाइज छोड़ दो। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी पूरी लगा ली होगी, तो टेंशन नहीं है उसकी, आप एनसीईआरटी एग्जांपलर के सैंपल प्रॉब्लम कर लीजिए, ठीक है। जब ये दोनों काम आप कर लोगे, क्या एनसीईआरटी के एग्जांपल और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, मैं उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अगर आपने सैंपल प्रॉब्लम कर लिए, अब आप क्या करो, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लास्ट टेन ईयर्स के तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे बच्चों, लास्ट थ्री ईयर्स के, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ओनली लास्ट थ्री ईयर्स। सर कौन कौन से लास्ट थ्री ईयर्स के पेपर लगाऊं? सर सुनो, आप 2020 छोड़ दो, वो मत लगाओ, ठीक है। आप क्या लगाओ, आप 2019 ले लो, 2017 ले लो और 2018 ले लो, बस बहुत है। तीन साल के पेपर लगा लोगे ना, सब कुछ कवर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि देखो टाइम नहीं है, तो शुरू से पढ़ा होता है ना। जब आप इतना काम कर लोगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपलर के सैंपल प्रॉब्लम सुन लो, मार्केट में जो बुक आती है उसमें सैंपल प्रॉब्लम नहीं होता, एक्सरसाइज दिया रहता है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद लास्ट थ्री ईयर्स के पेपर इतना आप लगा लोगे ना, पक्का। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे ना, तो कैलकुलेशन तो आपकी चुटकी में हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पक्का अगर आप 100% नहीं स्कोर करोगे ना बच्चों, 91, 92, 93, 90 से लेके 100 के बीच में, तो पक्का स्कोर करोगे। अब कुछ बच्चों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सुनो, ये रहा मेरा नंबर, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 7503644171। कोई डाउट होता है अगर आपको, ठीक है, व्हाट्सएप करिए, डाउट का मतलब कोई क्वेश्चन में डाउट होता है वो नहीं, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिए कि सर अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से वीडियोस देखने हैं, सर कहां से कहां तक देखना है, कौन सा वीडियो देखना है, सर टाइमिंग बता दीजिए, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है, पर फिर भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से देखें। इतना आप फॉलो करिए, पक्का आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आ रहे होंगे, सभी की बातें बताएंगे, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, मैं सबूत के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ कंटेंट यहाँ पे तैयार है, लास्ट फोर ईयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। इसी चैनल पे आपको पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सैंपल प्रॉब्लम मिलेंगे, किसी ने नहीं कराया होगा, ओनली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलेंगे, सैंपल प्रॉब्लम कोई नहीं कराता है। और बताऊं, सैंपल प्रॉब्लम में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने सैंपल प्रॉब्लम उड़ा दी किसी चैप्टर की, तो समझ लो आपने लगभग चैप्टर उड़ा दिया पूरा, पक्का, ठीक है। क्योंकि देखो चैप्टर में जाओगे ना, तो दो तीन न्यूमेरिकल वहां पे बच्चों टफ आने लगते हैं, ठीक है। जिसको आप नहीं भी लगाओगे ना, उतना टफ बोर्ड एग्जामिनेशन में आता नहीं, उसको नहीं भी लगाओगे छोड़ भी दोगे, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है। बट जो बेसिक बेसिक सा है वो तो हम कम से कम पढ़ लें, ताकि हमारे 90% तो स्कोर हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, और ये बजाते मत रहना नंबर्स पे, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक चीज़ और, ये वीडियो जिन बच्चों को बच्चों नीड है, अभी जो परेशान हो रहे हैं, टीचर नहीं मिल रहा है कोई, आजकल कोचिंग्स भी बंद है, स्कूल भी बंद है, परेशान है, उनको पक्का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पिन कमेंट को जरूर चेक करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, फोड़ देना।